तो एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल करियर कंसल्टीज में, जहां हम देते हैं जानकारी आपको करियर और एम्प्लॉयमेंट से जुड़ी। तो करियर और एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा ये वीडियो है IIFL समस्ता फाइनेंस लिमिटेड के ऊपर। काफ़ी लोगों ने हमें कमेंट में रिक्वेस्ट किया था कि हम ऐसी माइक्रो फाइनेंस कंपनी बताएं जो कि बेस्ट इन इंडस्ट्री टू पे हो, यानी कि जिसका इंसेंटिव, सैलरी और बेनिफिट्स टू एम्प्लॉय सबसे बेस्ट हो। तो लेके आया हूँ ऐसी कंपनी, पूरा रिव्यू करेंगे, समझेंगे इसके बारे में कैसे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्या कंपनी की प्रोफाइल है, कितना स्टेबल कंपनी है, सारा कुछ इस वीडियो में। दोस्तों IIFL समस्ता फाइनेंस लिमिटेड बेसिकली पहले समस्ता माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड थी, तो इसको एक्वायर कर लिया गया 2016 से 17 के बीच में IIFL के द्वारा। IIFL जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन इन्फोलाइन लिमिटेड। इंडियन इन्फोलाइन की खुद की अपनी 3000+ ब्रांचेस हैं और 51,000 करोड़ का पोर्टफोलियो है। तो ये सिर्फ माइक्रो फाइनेंस में ही डील नहीं करती, बल्कि ये IPOs, म्यूचुअल फंड्स, अदर टाइप ऑफ लोन्स, इंश्योरेंस और भी बहुत सारे सिक्योरिटीज़ लाइक ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस में है, बेसिकली फाइनेंस के बिजनेसेस में है, जिसने एक्वायर कर लिया समस्ता को। तो अब बन गई है समस्ता IIFL समस्ता फाइनेंस लिमिटेड। समस्ता का खुद का पोर्टफोलियो और इसकी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो इसकी 900+ ब्रांचेस हैं ऑल ओवर इंडिया, 19 स्टेट्स को कवर कर चुके हैं अब तक, 6,700 करोड़ का पोर्टफोलियो है एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, यानी कि इतने के लोन अब तक ये बांट चुके हैं, 11,000 से ज़्यादा एम्प्लॉई इसके साथ काम करते हैं। तो काफ़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में है ये। लोन प्रोडक्ट्स की अगर बात करूँ तो बेसिकली जो वर्क करती है वो JLG का है, यानी कि जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप बनाकर, यानी ग्रुप बनाकर लोन देना, जिसका कि स्टार्टिंग रेंज 20,000 से लेकर के 60,000 तक होता है। तो इसके अलावा भी ये 4 और 5 तरीके डिफरेंट अलग लोन भी हैं इनके पास, यानी कि एजुकेशन लोन भी देती है छोटे अमाउंट में, और प्रॉपर्टी लोन भी देती है वो भी छोटे अमाउंट में, माइक्रो बिजनेस लोन भी देती है वो भी छोटे अमाउंट में, यानी कि पोर्टफोलियो लगभग, यानी कि लोन जो टिकट साइज रहता है वो 60,000 से लेकर के 90,000 तक के बीच में रहता है। इसके अलावा सैनिटरी एंड जल लोन भी है, टॉप अप लोन भी है। तो अब बात करते हैं आप लोगों के लिए क्या खास है इस ऑर्गेनाइजेशन में या आपको क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो देखिए, पहला तो यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है वो सीधे सीधे कलेक्शन ऑफिसर और डिसबर्समेंट ऑफिसर की होती है। आप हैं सर्विस एग्जीक्यूटिव जो कि कलेक्शन करेगा फील्ड में और साथ ही डिसबर्समेंट करेगा लोन का। तो अब यहाँ पर आ जाती है बात इम्पोर्टेंट, यह है आपकी सैलरी की। तो जैसा कि मैंने कहा कि इंडस्ट्री में बेस्ट माइक्रो फाइनेंस लेके आया हूँ जो कि अच्छा पे करती है, तो इसकी सैलरी है 11,000 रुपये। अब 11,000 तो नॉर्मल सैलरी है, इम्पोर्टेंट ये है कि आप जितनी किलोमीटर भी बाइक चलाते हो उतने किलोमीटर बाइक चलाने का आपको 2.5 रुपये से, जो कि अब बढ़कर 3 रुपये हो गया है कि रेट से, पेट्रोल का पेमेंट होता है। तो यानी कि अगर आपने डेली 100 किलोमीटर बाइक चलाई तो आपको 250 से लेकर के 300 रुपये तक पेट्रोल का ही पैसा मिल जाता है, जो कि आपकी बाइक की मेंटेनेंस और उसके पेट्रोल का खर्चा पूरा कर देता है। अब बात करते हैं इंसेंटिव की। इंसेंटिव भी बहुत ही अच्छा है, 100 क्लाइंट अगर एक महीने में डिस्पर्स कर ली तो इंसेंटिव मिल जाता है, यानी कि 4,000 रुपये तक तो इंसेंटिव आप ऐसे ही कमा सकते हो एक महीने में। अब अगर कोई स्टाफ लगातार 6 महीने तक 100 क्लाइंट पर मंथ बांट देता है, यानी कि 600 क्लाइंट अगर 6 महीने के बाद होती है तो उसको एक सुपर प्रमोशन मिलता है, यानी कि 6 महीने के अंदर कोई फ्रेशर जो कि कंपनी में अभी जिसे सिर्फ 6 महीने ही हुए हैं वो नेक्स्ट प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो जाता है। बहुत ही कमाल की बात। अब इस प्रमोशन पर आपके 2,500 रुपये सैलरी बढ़ती है और जो एनुअल इंक्रीमेंट मिलता है वो तो मिलता ही है आपको। अदर एम्प्लॉय बेनिफिट्स की अगर बात करूँ तो ESI PF तो इस कंपनी में है ही, साथ ही 12 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी है, यानी कि डेथ के केस में 12 लाख रुपये इंश्योरेंस से मिलते हैं। इसके अलावा समस्ता की खुद की एक अपनी एक स्कीम है, जिस मतलब ड्यूरिंग द लाइफ और आफ्टर लाइफ भी इसके पास बहुत ही सिक्योर प्लान है एम्प्लॉय के लिए। भाई रहने के लिए अकोमोडेशन और उस अकोमोडेशन में कुक की फैसिलिटी भी मिलती है, तो बेसिकली आपका ये खर्चा भी यहाँ पर बच जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रमोशन की, यानी कि आप जैसा कि मैंने बताया अच्छे से क्लाइंट डिसबर्स कर लेते हैं तो आपका 6 ही महीने में प्रमोशन आता है, अदरवाइज रेगुलरली भी आप जो अच्छा कंपनी का काम कर रहे हैं उसके लिए भी आपको 2 से 3 साल के अंदर प्रमोशन मिल ही जाता है। अब इसके बाद आप BM कब बन सकते हो, इम्पोर्टेंट बात ये है। तो इम्पोर्टेंट बात ऐसे देखो, अगर अच्छा काम करोगे तो इसमें मुझे जैसा कि इन्फॉर्मेशन मिली है 2 से 2.5 साल के अंदर आप प्रमोट होकर
बनकर BM बन सकते हो। लेकिन BM बनने से पहले 3 स्टेज और पार करनी पड़ती है, यानी कि आप पहले फ्रेशर एग्जीक्यूटिव से सीनियर एग्जीक्यूटिव बनते हो, और उस सीनियर एग्जीक्यूटिव बनने के बाद आपको ब्रांच का क्रेडिट ऑफिसर बनना होता है, या फिर इसे ABM भी कह सकते हैं, असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर। उसके बाद आपका एज ए ब्रांच मैनेजर प्रमोशन हो सकता होता है। तो मिनिमम केस में अगर ये कहूँ कि फास्ट ट्रैक प्रमोशन हो तो 2.5 साल तो चाहिए चाहिए, और अधिकतम 4 से 4.5 साल भी आपको लग सकते हैं नेक्स्ट प्रमोशन के लिए। अब इसके बाद आप क्या बनते हो? जी हाँ, अगर आपने ब्रांच मैनेजर एज ए ब्रांच मैनेजर ब्रांच पर बहुत ही अच्छा काम किया है, तो अगले 5 साल के अंदर, यानी कि आपके टोटल ड्यूरेशन में, यानी अगर आप फ्रेशर से स्टार्ट करो तो 5 से 6 साल के अंदर आप एरिया मैनेजर बन जाते हो। अब एरिया मैनेजर को क्या मिलता है? जी एरिया मैनेजर को 4 से 5 ब्रांच का लुक आफ्टर करना होता है, यानी कि 5 या 4 BM उसके अंडर में होंगे और वो होगा उन सब का बॉस। इस प्रोफाइल में सैलरी भी काफ़ी अच्छी होती है, जो कि 35,000 से लेकर के 50,000 तक की रेंज में हो सकती है। अगर BM की सैलरी की बात करूं तो वो मिनिमम 20,000 से लेकर के 30,000 तक के अंडर में फॉल करती है। देखिए पैकेज वेरी भी करता है, तो इसे परमानेंट ना समझें। अब इम्पॉर्टेंट है कि वैकेंसी कहाँ पर देखें। तो जैसा कि IIFL की हायरार्कीज यानी ब्रांचेस की हायरार्की हैं, वो इस तरीके से हैं कि सबसे नीचे तो होती है ब्रांच, उसके ऊपर होता है डिवीजनल ऑफिस, और उसके ऊपर होता है रीजनल ऑफिस। तो जो डिवीजनल ऑफिस है उसी में बैठते हैं असिस्टेंट HR। तो ये HR बेसिकली फेसबुक पर, व्हाट्सएप ग्रुप्स पर, इसके अलावा लिंक्डइन पर और बहुत सी जगहों पर जब भी कोई वैकेंसी आती है उसको ये पोस्ट कर देते हैं। तो वैकेंसी तो रहती है रेगुलरली, एवरी डे इंटरव्यू होते हैं यहाँ पर। तो आप चाहे तो ब्रांच विजिट कर सकते हैं या फिर इनका डिविजनल ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं। तो आपको वैकेंसीज तो यहाँ रेगुलरली मिल ही जाएगी। अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर आप फ्रेशर हैं तो 12th पास। फेसबुक पर बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, तो आप वहाँ पर IIFL की वैकेंसीज को देख सकते हैं। IIFL का अपना भी खुद का ग्रुप है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। अदरवाइज़ जो बहुत सारे माइक्रो फाइनेंस के ग्रुप्स बने हुए हैं उन ग्रुप्स में जुड़ जाइए, रेगुलर निकलने वाली वैकेंसीज को देखते रहिए। अगर आप चाहें तो IIFL के ब्रांच को भी विजिट कर सकते हैं वैकेंसीज को देखने के लिए। तो मुझे कमेंट करके बताओ कि इससे भी अच्छी क्या कोई माइक्रो फाइनेंस कंपनी पे करती है। अगर हाँ करती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, मैं उसका भी रिव्यू बनाऊंगा। साथ ही अगर IIFL से जुड़ी कोई और जानकारी चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और एक प्यारा सा कमेंट भी ड्रॉप करना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।